बच्चों, आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का पार्ट 4 ताकतवर कौन जो एक कहानी है इसको आज मैं बताऊंगी कि इस कहानी में क्या है। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है, ये प्रेमचंद जी ने कहा है। देखिए आगे इस कहानी में क्या है। घर के सामने चारपाई पड़ी थी, चारपाई पर एक चादर रखी थी। तेज हवा चलने लगी, चादर इधर उधर उड़ने लगी। अचानक हवा और तेज हो गई, चादर उड़कर पेड़ की डाल पर अटक गई। वह हवा से बोली, वाह वाह हवा, वाह हवा रानी, तुम तो बहुत ताकतवर हो। मैं चारपाई पर बैठी थी और तुमने मुझे पेड़ की डाल पर लटका दिया। बच्चों, एक घर था, उसके सामने चारपाई पड़ी थी और चारपाई पर एक चादर रखी थी। हवा इतनी तेज चली कि वह चादर उड़कर पेड़ की डाल पर चढ़ गई। तभी वह बोली चादर कि हवा रानी, तुम कितनी ताकतवर हो कि तुमने मुझे पेड़ पर लटका दिया। हाँ यह तो है, मैं चाहूँ तो सबको हिला दूँ। देखो उस चिड़िया को कैसी लुढ़की जा रही है, बेचारी। यह कहकर हवा जोर जोर से हंसने लगी। हवा बोली, हाँ मैं तो हूँ ताकतवर, देखो वो चिड़िया बैठी कैसी लुढ़की जा रही है। इतना कहकर वह हंसने लगी हवा। तभी बादल गरजा, तेज बारिश होने लगी, चादर गीली होकर ठिठुरने लगी। वह बोली, बरखा रानी तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, देखते देखते सबको नया डाला। इसी के बाद तुरंत बादल गरजा और बारिश होने लगी। तभी वह चादर गीली हो गई और ठिठुरने लगी। तब वह चादर बोली, बरखा रानी तुम भी कितनी शक्तिशाली हो, देखते देखते सबको नहला डाला। बारिश मुस्कुराई, वह बोली, हाँ यह तो है, मैं ना बरसूं तो नदी तालाब सब सूख जाएं। तभी सूरज चमकने लगा, बूंदें गायब हो गईं, कुछ ही देर में चादर भी सूख गई। चादर बोली, सूरज दादा आप तो बहुत बलवान हैं, देखते ही देखते सारा पानी सुखा डाला। उसी के पश्चात सूरज भी निकल आया और सूरज इतना तेज चमका कि चादर सूख गया, आसपास की चीज़ें भी सूख गईं। तभी वह चादर सूरज से बोली, सूरज दादा आप भी बलवान हैं, देखते ही सारा पानी सूख गया। सूरज भी हंसकर बोला, हाँ बलवान तो हूँ ही मैं ना चमकूँ तो चारों तरफ अंधेरा छा जाए। चादर ने पूछा, परंतु सबसे ताकतवर कौन है? सूरज भी बहुत हंसकर बोला, हाँ मैं भी बलवान हूँ, अगर मैं ना चमकूँ तो रात में अंधेरा रहे। और तभी चादर ने उनसे पूछा कि परंतु इन सब में ताकतवर कौन है? वहाँ खड़ा बूढ़ा पेड़ यह सुनकर मुस्कराया। वह बोला, तुम इतना भी नहीं समझती, ये सभी ताकतवर हैं, ये सबसे ही तो जीवन है, हम हैं तुम हो। बच्चों, वहाँ पर एक बूढ़ा पेड़ था, यह सुनकर